नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज देखेंगे दोस्तों बिहार स्टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे दोस्तों, ना देखेंगे 2, और ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार स्टेट का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा, यानी कह रहा है कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा। कोई धन है, बोल रहा है साधारण ब्याज की 10% पर दर पर वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा, यानी समय मांग रहा है। क्या मांग रहा है दोस्तों? समय मांग रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन यानी धन क्या है, क्या है दोस्तों, एक्स है, तो अपने का दुगुना हो जाता है, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन एक्स माने तो अपने का दुगुना होगा तो 2x हो जाएगा, 2x है, तो ब्याज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्या होगा दोस्तों, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। तो चलिए दोस्तों अब समय का, समय मांग रहा है यानी समय बराबर यानी कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का शॉर्ट टर्म क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्या होता है दोस्तों, मूलधन, मूलधन क्या है, मूलधन एक्स माने तो एक्स गुना समय, समय निकालना है यानी टी, दर दिया हुआ है 10% बटे 100, यही होता है दोस्तों मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज यानी SI मतलब क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है कितना हुआ दोस्तों, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन क्या था 2x था, उसमें से x घटाएंगे क्या होगा, x होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज यहाँ ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन एक्स गुना टी गुना समय, समय टी था, दर 10% था बटे 100, ब्याज क्या निकला दोस्तों, एक्स निकला, एक्स बराबर एक्स टी गुना 100 होगा दोस्तों बटे 100, ये 10 है दोस्तों, 10 रहेगा यहाँ, ये 0-0 कट गया, यहाँ ये क्या होगा एक्स एक्स ये कट गया, यानी टी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो टी गुना 1 बराबर यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, 1 गुना 10, इसीलिए टी बराबर क्या हो गया 10, यस क्या हो गया दोस्तों 10 वर्ष हो गया। यानी कह रहा था कोई धन है साधारण ब्याज की दर 10% पर ब्याज लगाता है कितने समय में वह अपने से दोगुना हो जाएगा, क्या कह रहा था, कितने समय में वह अपने से दोगुना हो जाएगा, कितना समय हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा अपने से दोगुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, √3 √3 √3 यानी स्वयं बोल रहा है इस टाइप का रहेगा और स्वयं तक रहेगा यानी कंटिन्यू जाते रहेगा, इसके बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, वैसे इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो चीज रूट के अंदर रहेगा और सो एन इनफिनाइट तक रहेगा, क्या रहेगा इनफिनाइट तक रहेगा, उसके लिए आंसर क्या होगा, हमेशा वही संख्या हो जाएगा, जो संख्या रूट में होगा वही संख्या क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसके लिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं माना कि √3 √3 √3 सो एन है, क्या है सो एन, इतना बराबर एक्स मान लिए, क्या मान लिए दोस्तों एक्स मान लिए, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3√3 √3 फिर सोएन है, इसका वर्ग कर दिए दोस्तों, फिर इस साइड भी क्या किए वर्ग कर दिए, ये क्या हो गया ये रूट बाहर, वर्ग स्क्वायर जब भी हटेगा तो रूट क्या होगा हटेगा, तो 3 बाहर आ गया, फिर क्या आया √3 √3 सोएन, यानी जाते ही रह गया और 3 क्या आया यहाँ बाहर आया, तो 3 का ही बाहर आया स्क्वायर था इसलिए बाहर आया, अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और इतना को हम क्या माने दोस्तों एक्स माने थे इतना को,
यहाँ देखिए वही टर्म फिर आ गया, वही कंडीशन, सो एन तक है तो थ्री या गुना एक्स हो जाएगा ये बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इतना पे एक्स माइनस इसलिए यहाँ एक्स कट दिए, ये एक्स और एक एक्स कट गया, एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों थ्री आंसर हो गया। चलिए दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल जेंडर स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों निन्यानवे पूर्णांक एक बटे सात प्लस निन्यानवे पूर्णांक दो बटे सात प्लस निन्यानवे पूर्णांक तीन बटे सात प्लस निन्यानवे पूर्णांक चार बटे सात प्लस निन्यानवे पूर्णांक पांच बटे सात प्लस निन्यानवे पूर्णांक छह बटे सात का मान क्या होगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसको क्या कैसे बनाना है, क्या करेंगे, इसको निन्यानवे पूर्णांक एक बटे सात दिया है, फिर क्या है निन्यानवे पूर्णांक दो बटे सात, निन्यानवे पूर्णांक तीन बटे सात, निन्यानवे पूर्णांक चार बटे सात, और एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को देखेंगे, सभी को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पूर्णांक में है जिसको प्लस एक बटे सात लिख सकते हैं, फिर यहाँ निन्यानवे, फिर प्लस दो बटे सात लिख सकते हैं, फिर निन्यानवे प्लस तीन बटा सात लिख सकते हैं, निन्यानवे प्लस चार बटा सात लिख सकते हैं इसको, निन्यानवे प्लस पांच बटा सात लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं निन्यानवे प्लस छह बटा सात लिख सकते हैं, निन्यानवे निन्यानवे जा बार था सब जगह लिख दिए, क्या बार निन्यानवे है दोस्तों एक दो तीन चार पांच छह बार है, क्या करेंगे निन्यानवे गुना छह को मान लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों छह बार था छह लिख दिए दोस्तों, अब क्या बच गया यहाँ एक बटा सात बच गया, दो बटा सात बच गया, तीन बटा सात बच गया, चार बटा सात बच गया, पांच बटा सात बच गया, और क्या बचा छह बटा सात बच गया, यही बचा निन्यानवे सबसे बाहर निकाल लिए, क्या बचा यही बचेगा दोस्तों। तो हम इसका क्या करेंगे गुना करेंगे, न छाक चौवन, न छाक चौवन पांच कितना हो गया, इसको हल कर लेंगे सात एलसीएम आएगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह, सात एलसीएम आएगा, सात है सबके नीचे इसीलिए ऊपर का अंक क्या है जो अंक ऊपर में है सेम क्या होगा जुट जाएगा। चलिए अब इसको क्या हो गया पांच सौ चौरानवे गुना सबको जोड़िए, तीन 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 छ चार दस पांच पंद्रह छ इक्कीस, यानी इक्कीस बटे सात, सात से काटिए सात या इक्कीस हो गया, पांच सौ चौरानवे गुना तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच सौ चौरानवे को तीन से गुना करेंगे तो क्या होगा पांच सौ चौरानवे प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ गुना में नहीं आएगा ये, क्या कौन सी में आएगा प्लस में आएगा, क्या क्या चीज में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस में था सभी जगह क्या था प्लस में, यहाँ क्या होगा प्लस, यानी सात किया इक्कीस चौरानवे में तीन जोड़े क्या हो जाएगा पांच सौ संतानवे, यही क्या हो गया दोस्तों आंसर। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, आपके पास कोई भी स्टेट रिलेटेड कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, और अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जरूर से जरूर ज्वाइन होकर अपना क्वेश्चन हमें शेयर करें, और आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी स्टेट का क्वेश्चन है, यदि आप कोई गाइड में बना रहे हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आप हमें उससे अपना क्वेश्चन जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों बस इतना ही कहना चाहेंगे, चलिए मिलते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है, टू कोमा थ्री रूट थ्री, थ्री रूट नहीं ये थ्री यहाँ पे है दोस्तों, यानी घात में है थ्री, या क्या है अंदर थ्री, ये भी क्या है घात में है फोर, इसके ये अंदर आ गया दोस्तों, ये भी सिक्स क्या है छ है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, क्या होगा सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो रूट टू क्या क्या है थ्री रूट थ्री, यानी थ्री इसके ये करनी के रूप में है, ये फोर फाइव सिक्स रूट सिक्स, यानी ये छोटा लिखाएगा दोस्तों छोटा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है रूट हटेगा तो इसपे कितना आएगा वन बटे टू आएगा, और फिर इस पे आइए इस पे रूट रूट हटेगा थ्री है बेस में क्या आएगा वन बटा थ्री आएगा, फिर इस पे बेस हटाएंगे फोर है तो वन बटा फोर आएगा, सिक्स इस पे बेस इसका रूट हटाएंगे तो वन बटा सिक्स आएगा, ना समझ गए होंगे दोस्तों।
अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके नीचे जो भी संख्या है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। दो तीन चार और छ का एलसीएम क्या होगा, निकालिए, दो से लगाएंगे तीन, दो दुना चार, दो तीन छ, फिर तीन से लगेगा यानी तीन दुना छ दुना बारह, क्या होगा बारह, बारह क्या होगा एलसीएम, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसको पावर में जो संख्या रहेगा उसको उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कर दिए, सही में क्या किए, एलसीएम से गुना कर दिए। अब काटिए दोस्तों, दो छा के बारह, तीन से काटिए, तीन चौके बारह, चार तीन बारह, छह दुना बारह, दो पावर क्या आया, छ आया, तीन पावर क्या आया दोस्तों, चार आया, पांच पावर क्या आया, तीन आया, छ पावर दो आया। अब सभी को हल करेंगे दोस्तों, दो पावर छ है, इसको दो को क्या बार गुणा करेंगे, छ बार करेंगे, तीन दो पांच एक छ, दो को दो पावर छ, तब दो कितना बार गुणा किए, छ बार, इसको हल किए, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, दुना बत्तीस, दुना चौसठ, यानी इसका वैल्यू क्या निकला, चौसठ निकला। अब तीन तो पावर फोर है, तीन को क्या बार गुना करेंगे, चार बार गुना करेंगे, तीन गुना तीन गुना तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तिया इक्यासी, यानी इसका वैल्यू क्या आया, इसका आया इक्यासी, इसका आया चौसठ। अब इसका देखते हैं दोस्तों, पांच पावर तीन है तो पांच को क्या बार गुना करेंगे, पांच गुना पांच गुना पांच, पचे पच्चीस पंच एक सौ पच्चीस, क्या आया इसका वैल्यू, एक सौ पच्चीस आया। अब छ का बात करते हैं दोस्तों, तो छ का स्क्वायर है, छ गुना छ होगा यानी छत्तीस, सबसे बड़ा कौन हुआ दोस्तों, पांच पावर तीन हुआ, क्या हुआ, पांच पावर तीन, यानी कौन सा होगा सबसे बड़ा इसमें, ये होगा, इसको हल किए तो पांच पावर तीन आया था, एक सौ पच्चीस, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा मेरा, चार पांच, ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है, यदि दो संख्या का मौसम क्रमशः अठारह तथा तीन सौ अठहत्तर है, यदि उनमें एक संख्या चौवन है तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं, कहना एक दो संख्या का मौसम और लौसम दे दिया गया है और एक संख्या भी दे दिया गया है, क्या निकालना है दोस्तों, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या मालूम करना है, दूसरी संख्या का सूत्र होता है, क्या होता है, मौसव गुना लौसव, मौसव गुना लौसव बटे पहली संख्या, क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, मौसव गुना लौसव बटे पहली संख्या, तो मौसव क्या है दोस्तों, अठारह है और लौसव है तीन सौ अठहत्तर, बटे पहली संख्या क्या दिया गया है, चौवन, इसको हल कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का वैल्यू निकल जाएगा, अठारह तीन चौवन, तीन से काटिए, तीन का तीन, तीन चुना छ, तीन छह अठारह, यानी एक सौ छब्बीस क्या होगा, दूसरी संख्या होगा कितना, एक सौ छब्बीस, यही दोस्तों हो गया आंसर। दोस्तों यदि आपको, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट अवश्य अवश्य कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड लोग के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गला थोड़ा फंस गया दोस्तों, इसलिए थोड़ा हंसी लग गया और आवाज जो है थोड़ा ये हो गया। आप लोग से इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप लोग को मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन बताते हैं, यदि आप लोग समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो मेरे चैनल को चैनल जनरल दृष्टि ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोग से कहिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कृपा जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। और स्टेट बिहार स्टेट का कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर करें, और या कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है, छह बारह तथा अठारह में से प्रत्येक में से विभाजित, प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मांग रहा है दोस्तों, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा, इसके जगह कोई भी अंक दे देगा या कोई भी डिजिट दे दे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सबसे छोटी वर्ग संख्या में बात कर रहा है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दो तीन छह, छह दुना बारह, दुना अठारह, फिर दो तीन से लगेगा दोस्तों, तीन दुना छह, तीन तीन नौ, दो गुना तीन गुना दो गुना तीन, यानी इतना चीज करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों,
छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का जब भी बात हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग का जब भी बात रहे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर लगाएंगे यानी जोड़ा लगाएंगे दोनों का, क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ भी दो का जोड़ा लगा लिया, यहाँ भी क्या किया, तीन का जोड़ा लगा लिया, जोड़ा क्या हुआ, मैच कर गया। यदि जोड़ा मैच नहीं करता, जिसका जोड़ा मैच नहीं करता दोस्तों, उस संख्या को यहाँ गुणा करते, उस संख्या को क्या करते, गुणा करते। चलिए दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ा मैच कर रहा है, तो क्या होगा, गुणा कीजिए, द्वितीय छह दुना बारह छत्तीस, यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, और छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुआ, 36 हुआ। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए क्या है, बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, बी के लिए यदि ए प्लस बी बराबर 5 था, ए बी बराबर 6, तो वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब पूछ रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम जो दिया रहेगा पहले वो लिख लेंगे, क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, यानी ए जो बड़ा, ए क्या है, बी से बड़ा है, और दिया गया है ए प्लस बी बराबर 5, और ए बी बराबर क्या दिया गया है, 6। यहाँ कहने का जो दिया गया है उसको, यानी जो वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों उसको पहले संतुष्ट करके बनाएंगे हम, उससे क्या होगा मेरा क्वेश्चन बहुत ही जल्द कम और कम समय बनेगा, क्या करेगा, बहुत ही कम समय लेगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लेगा इस टाइप का। तो हम पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है उस वैल्यू को पहले संतुष्ट करते हैं, उसके अनुसार ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ दिया गया है ए जो, ए क्या है, बी से बड़ा है, ए क्या है दोस्तों, बी से बड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं ए है 3, तो ए में कितना जोड़ेंगे, 3 मान लिए, कितना जोड़ेंगे, 5 होगा, यानी 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 देखिए 2 से क्या है, बड़ा है, 3 जो है 2 से क्या है दोस्तों, बड़ा है, ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 2, ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी ये जो दिया गया था इस रूल को क्या कर रहा है, ये शर्त पालन कर रहा है, यानी ए बड़ा है बी से, ए क्या कर रहा है, बड़ा है बी से, और 3 और 2 को जोड़िए 5 आ रहा है, ये शर्त भी पालन हो गया। अब ये इस स्टेप में देखिए, ए लिए 3 और बी कितना लिए थे, 2, 3 गुना 6, ये स्टेप भी क्या कर रहा है दोस्तों, पूरा कर रहा है, यानी पूर्ण कर रहा है इस स्टेप को भी। तो ये दोनों नियम, ये दोनों वैल्यू क्या है, ए और बी के लिए संतुष्ट करता है, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी बराबर 2 हो जाएगा। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि इस वैल्यू जो है इस मान को क्या कर रहा था, संतुष्ट कर रहा था। तो अब पूछ रहा है, अब किसी का भी वैल्यू कितना बड़ा मान रखते हो ना, वैल्यू पूछ दे, जब हमको ए और बी का वैल्यू पता हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों, कितना भी पावर दे देगा तो हम क्या करेंगे, मान निकाल सकते हैं। ए का मान क्या है, 3, 3 का स्क्वायर, बी का मान क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 9 में 4 का क्या होगा दोस्तों, 5, यही क्या होगा आंसर हो गया दोस्तों। जनरलिस्टिक ग्रुप में आपका वीडियो देखने के लिए स्वागत है, और इसी तरह कोई भी हम वीडियो लाते हैं दोस्तों तो मेरे वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए आप लोग, और आप लोग के पास कोई भी स्टेट का क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।